नमस्कार दोस्तों, वाहन भंडार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सबके लिए एक 16-12 ट्रक लेके आया हूं, जो कि ये काफ़ी पुराना ट्रक है। और आज के परिवेश में जैसा कि आजकल के नियम बनते जा रहे हैं, उन सब नियमों को, हर एक नियमों का पालन करते हुए इस ट्रक को बचा के रखा है इन्होंने। और ये आज भी रनिंग कंडीशन में है और ये सारे काम अभी भी वही करता है जो पहले करता था। आइए जानकारी लेते हैं, ये ट्रक इनके पास कब से है और ये किस वजह से इसको इन्होंने अपने पास अभी तक रखा है। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, ये ट्रक बताइए आपके पास कब से है? ये मेरे पास है 1994 का जी। तो ये आप सेकंड हैंड लाए थे कि नया? ये सेकंड हैंड ही लाए थे जी, मगर ये हम लोग लाए थे 2000 में। 2000 में? और ये 1994। अच्छा, ये आपके पापा जी लेके आए थे? पापा जी लेके आए। अच्छा, तो इसी से आपके पापा ने, जितना सब कुछ आपके पास है अब, तो ये सब इसी ट्रक का ही है? इसी के कारण, हाँ। अच्छा, और इसे बेचने उचने का इरादा नहीं है? बेचने का क्यों? क्योंकि ये मेरे पापा का ट्रक है, पापा ने पहली बार, ये पहला ट्रक है मेरे घर का जी, तो इस वजह से आप इसे बेचेंगे ही नहीं? इसे नहीं। और ये इस ट्रक के ड्राइवर हैं, जो कि इनके चाचा हैं और सब लोग इन्हें चाचा ही कहते हैं यहाँ पे, और इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, एक बार अपना नाम बता दीजिए। कृष्णानंद पांडे जी। तो ये ट्रक आप कब से चला रहे हैं? 94 से। नहीं नहीं, ये ट्रक 20-20 में ड्राफ्ट हो जाता है, बाकी 94 से चला, जब से आई है तब से चला रहे हैं। अच्छा, तो ये गाड़ी जहाँ पहले थी वहाँ पे भी आपने चलाया है? नहीं, सिर्फ इसी घर से। सिर्फ इसी, यहीं से जी, थर्ड ओनर से जी। तो इस गाड़ी के बारे में बताइए कि ये कितने सिलेंडर गाड़ी है? 6 सिलेंडर। अच्छा, और ये कितने हॉर्स पावर का इंजन है इसमें? 16-12 का है। 16-12 का इंजन? नहीं, ये हॉर्स पावर पूछ रहा हूँ, ये इसकी हॉर्स पावर कितनी है? 80 के आसपास का है। और इस ट्रक के बारे में बताइए कि ये जैसे आजकल के नए ट्रक हैं उससे और इनमें, इस ट्रक में क्या फ़र्क है? ये पावर स्टीयरिंग इसमें नहीं है जी, पावर ब्रेक नहीं है जी, सादी मैकेनिकल गाड़ी है। मैकेनिकल गाड़ी है। और ये जो इसका ब्रेक लगता है, तो इसमें क्या ब्रेक शूज का भी फंक्शन होता है? ब्रेक शू लगता है? इसमें ऑयल ब्रेक होता है। अच्छा, ऑयल ब्रेक के साथ ये गाड़ी आती है? पावर ब्रेक, प्रेशर ब्रेक नहीं है। तो ये गाड़ी अगर कभी कहीं बिगड़ जाती है तो आप इसे आसानी से चालू कर लेते हैं, ये भी पता चला? बिल्कुल। इसमें नुकसान क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा? नुकसान इसमें कुछ नहीं है, लापरवाही ना की जाए तो जी, है ना, साधारण सिंपल तरीके से, टाइमिंग से इसका गियर चेंज हो, है ना, आयल चेंज हो, तो नुकसान नहीं करती जल्दी से, शादी गाड़ी है। बैटरी लो में भी इसको स्टार्ट करने में आसानी रहती है, चक्कर घुमा के स्टार्ट की जा सकती है, क्योंकि इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक पंप है, वो नहीं, सादा पंप है। सादा पंप के साथ ये गाड़ी, वजह से ये चक्का घुमाने से भी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, और ये वाटर कूल्ड इंजन है कि? सादा वाटर है। सादा वाटर। अच्छा, तो जैसे कि आप सबको पता चला और ये सारी जानकारियाँ जो उन्होंने दी हैं कि ये 94 मॉडल ट्रक है और आज के परिवेश में ये आज भी सारे नियम कायदे कानून के साथ ये ट्रक चल रहा है और इस ट्रक के आज भी सारे पेपर क्लियर हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग देख रहे हैं, आपके मन में कोई सवाल हो तो ये सारे सवाल मैं आपके दूर कर रहा हूँ। उसके बाद इस ट्रक के बारे में बताऊँ तो इस ट्रक में एक ऐसा फंक्शन होता है कि अगर आपका ये ट्रक कहीं पंचर हो जाए, पहाड़ में अक्सर ये ट्रक जाता रहता है और ये जंगल विभाग के काम करता रहता है, हर तरह के काम करता है, अगर ये कभी पंचर हो जाता है तो इसमें एक प्रेशर पाइप का भी फंक्शन होता है जिससे कि आप अपने टायर में हवा भर सकते हैं। इस गाड़ी में आपको प्रेशर हॉर्न नहीं मिलेगा, सिंपल हॉर्न के साथ ये गाड़ी आती है और यही सारी फंक्शन है इस गाड़ी में। और इस गाड़ी का कोई भी रख रखाव में ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है आज के टाइम के हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक का फंक्शन ना के बराबर है इसमें, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट, बैटरी का और लाइट का फंक्शन ही है इसमें मेन। उसके बाद इस गाड़ी में और कुछ चीज़ें हैं कि ये गाड़ी का जो खर्चा है, डीजल खर्चा, वो बहुत कम है। इसका डीजल खर्चा कितना है? 3 लीटर? 3 किलोमीटर पर लीटर, जैसा कि आपने जाना, जो कि जब ये लोड में रहती है तब इतना इसका एवरेज है। और ये गली में, वैसे खाली में 4.5। यही सारी जानकारियां हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।